महिला उत्थान की सिर्फ बात करना लेकिन उनके लिए कुछ सोचना नहीं और सिर्फ एक ही ढांचे में महिलाओं की तरफ देखना, इसके एक आंख की दृष्टि कहते हैं। लेकिन सालों पहले, लगभग 126-27 सालों पहले, महर्षि कर्वे जी ने एक सपना देखा था कि स्त्री शिक्षण के लिए एक क्रांति होनी चाहिए और उन्होंने महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था नामक संस्था शुरू की, जिसमें वे केवल महिलाओं को शिक्षित करते थे और उनका मोटो था कि केजी से पीजी तक, मतलब शुरुआती शिक्षा से आखिरी शिक्षा तक का लाभ जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए। इसी महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था का एक यूनिट है कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन, जो कि नागपुर के हिंगना में स्थित है। यहाँ पर छात्राओं को इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है। इस कॉलेज में महिला छात्राओं को अपना समझ कर रखा जाता है, उनकी सुरक्षितता का ध्यान रखा जाता है। इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्हें पूरी वाइटल ग्रोथ के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ग्रीन जिम, नेचुरल जिम के अलावा उनके लिए सारी वो सुविधाएँ उपलब्ध है जिनका लाभ लेकर वो अपने करियर की ओर अग्रसर हो सकती है। सिर्फ शिक्षित होना यही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर इसका भी एक विश्वास दिलाया जाता है कि आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर प्लेसमेंट आपके लिए। क्या यहाँ का प्रोसेस है, किस तरह का यहाँ की शिक्षा दी जाती है, किस तरह के पे यहाँ पर एम्बियंस है, किस तरह का यहाँ का माहौल है, आइए हम देखते हैं। कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन का एक रुख करते हैं, इनकी प्रीमाइसिस को देखते हैं, इनके स्टाफ से मिलते हैं, इनके स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए मेरे साथ। कहते हैं हम जिंदगी में सारे ऋण चुका सकते हैं, लेकिन एक ऋण ऐसा होता है जो हम कितना भी प्रयास कर ले ताउम्र हम नहीं चुका सकते, वो ऋण होता है मातृ ऋण। हम या आज आपसे जो बात कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं स्त्री शक्ति का हमारे साथ होना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या ये स्त्री शक्ति को मर्यादाएं होनी चाहिए? क्या उसने सिर्फ घर में बच्चों को पालना, उन्हें बड़ा करना, इतना ही उनका हक होना चाहिए? आज के आधुनिक जमाने में ऐसा नहीं है और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इस नारी शक्ति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, सिर्फ देखना नहीं चाहती बल्कि उनको आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत भी रहती हैं। ऐसी एक शिक्षण संस्था में आज हम यहाँ मौजूद हैं, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स में। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, विविध कोर्सेज दिए जाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका बेहतर प्लेसमेंट हो इसके लिए भी उनको प्रयास किए जाते हैं। इसी प्रयास को जो यश मिलता है उसी की यशोगाथा के लिए आज हम आपके समक्ष हैं। मेरे साथ में है रसिका वखारे जो कमिंस कॉलेज से है और इन्हें हाल ही में प्लेसमेंट मिला हुआ है। हम बात करते हैं रसिका से। आई रसिका वाखोरे फ्रॉम ETC डिपार्टमेंट प्लेस एंड MG मोटर्स इंडिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कॉलेज बिकॉज इट गिव्स मी पार्ट टू मोल्ड माई नॉलेज। Because being from a very small village and Marathi medium department, I doubted myself whether I can build my career in engineering field or not. But this college makes me capable to achieve my goals, gives me confidence to improve my skills. The all skills from first year, just like skill development sessions, personality development session, helps me to improve my personality as well as my communication skill. And all effective workshop at departmental level, just like PCB designing and manufacturing, data science, Python, robotics, these all workshops and club activities, as well as this college gives me internship opportunity also. So these all activities prepare me to crack my interview and to get placed at a reputed company. The topmost placement opportunities and best education, where every teaching and non-teaching staffs are too supportive and are too helpful in every way they can. So I'm very proud of my college. And girls, if you want to grow yourself and if you want to achieve your goals,
So this is the best place for you. Thank you. Well, Rasika, really, we are overwhelmed with your the experience with this college, and I wish you all the best for your future. Thank you very much. जहाँ हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो एक चुलबुलाहट सी होती है सभी में, आप में, हम में. हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं और एक सपना होता है और इस सपने को लेकर हम कॉलेज में जाते हैं. ये सपना जो जहाँ पुरुषों का सच होता हुआ दिखता है, वहीं महिलाओं को भी इसमें आगे आना बहुत ज़रूरी होता है. आज हमारे साथ में सिजल ठाकरे जो क्यूमिंस कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, इन्हें भी प्लेसमेंट मिला. उनका अनुभव कैसे रहा हम जानते हैं सिजल से. Hello Vidar, I am Sejal Lalit Thakre, originally belongs from Tigao, a village in Madhya Pradesh. I took admission in Cummins College in 2021. Initially, I faced challenges in paying my full fees as I being from a farmer background. So, however, college extended their support and helps me in paying my fees, connecting me with Rajkumar Parmar sir, who helps me for paying my fees. I am sincerely grateful to him for paying my fees. Additionally, college helps me throughout my journey, academic journey, in which they provide me soft skill classes and also other non-technical classes through which I can build my confidence and also I can also build my leadership qualities too. Talking about the ETC department just not only provided the core related soft skill courses, but also they provided the software classes also, in which we can interact with our market trend and thrive in the corporate worlds. Apart from this, department also organizes the TCRT lectures in which we can get prepared for the competitive exams like GATE and CAT. That's it. Thank you. How your parents feel after your this success? Actually, my parents feel very proud. They were very thankful for the college that I got placed in the ZF Tech company, which is in Hyderabad. यहाँ जहाँ क्यूमिंस कॉलेज में है, क्यूमिंस कॉलेज की जो यहाँ की जो हो रहा स्टूडेंट्स उनसे बातचीत करने में बहुत ही मजा आ रहा है. और जो उन्होंने सपने देखे हैं, जो बचपन में अभी हम लोग हमने जिनसे बात की, वो तीरा जैसे मध्यप्रदेश मतलब के छोटे से गांव से आई थी और वहाँ पर उन्हें उनकी इच्छा बहुत थी. उन्हें सपोर्ट मिला क्यूमिंस कॉलेज से, उनके टीचर्स साहब ने सपोर्ट किया, कॉलेज सपोर्ट किया और आज वो प्लेसमेंट पा चुके हैं और बहुत खुश होंगे, पेरेंट्स बहुत खुश हैं. ऐसी आज एक और हो रहा स्टूडेंट्स हमारे सामने, आपका नाम बताइए हमारे दर्शकों. मेरा नाम ईशा विवेक ठाकरे है. ईशा जी, आपने क्या पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की क्यूमिंस कॉलेज में? सर, जैसे कि देखा जाए, मैं फाइनेंशियली मतलब मैं एज ए सिंगल चाइल्ड, तो आफ्टर मेरा ट्वेल्थ के बाद मैं यहाँ पे मतलब कमिंस कॉलेज में एडमिशन लिया. मुझे अवेयर नहीं था कि कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए. फिर मुझे ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा है जहाँ पे हम हार्डवेयर टाइप में भी जा सकते हैं और सॉफ्टवेयर इसमें भी जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एज ए डिपार्टमेंट मैंने चूज किया. सर, जैसे कि देखा जाए ओवरऑल इससे, तो मेरा प्लेसमेंट दो कंपनी में हुआ है, जैसे ZF Tech Center इंडिया और जो कि हैदराबाद में है, और KPIT टेक्नोलॉजीज जो कि पुणे में है. सर, मैंने ZF Tech Center इंडिया चूज़ किया है क्योंकि उसका पैकेज 7.25 का है और KPIT का उससे कम था, 4.5 का था, तो इसलिए मैंने. आप क्यों को जो आपकी कम उम्र की लड़कियाँ जो है जिन्हें ये मुश्किल जाती होंगी कि उन्होंने क्या इंजीनियरिंग में एजुकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप उन्हें क्या बताना चाहिए? सर, जैसे देखा जाए लड़कियाँ कुछ कुछ डोमेन में बहुत पीछे हैं. लड़कियाँ आजकल मतलब बाकी जैसे जो फील्ड है उसमें लड़कियाँ आगे मतलब फैमिली हो गई या फिर कोई लोग हो गए जो आगे देखना नहीं चाहते हैं लड़कियों को. बट मेरे हिसाब से जैसे मेरा अभी फाइनल ईयर है, तो उस इसमें मैं अगर बोल सकूँ कि आप ऐसे डोमेन में एडमिशन लीजिए जहाँ पे आप पूरा पर्सनली और बाकी इमोशनली फिजिकली जहाँ पे आप पूरा डेवलप हो सके. जैसे अभी इंजीनियरिंग में आप फुल मतलब हर हिस्से आप जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, तो ऑल इससे मतलब हर एक तरीके से हम जहाँ पे पूरा डेवलप हो सकते हैं उस डोमेन में. जैसे इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कल्चरल, स्पोर्ट्स, सारा मतलब कॉलेज ऐसा है कि जो सारा कुछ प्रोवाइड करता है. मतलब इंजीनियरिंग एक लिमिटेड टेक्निकल वर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारे सारा जो आप क्यूमिंस कॉलेज में उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं. आपने पूरा अपना
किया है जी सर, पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके आने के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ी थोड़ी स्टूडेंट से थोड़ी थोड़ी सी टीचर से मिलने वाली परिधि हमारे साथ है, उस कॉलेज से बहुत ही प्यारी सी छात्रा है और इन्होंने इंजीनियरिंग की और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभी अभी हाल ही में आपको प्लेसमेंट मिला है। सबसे पहले तो आपने इंजीनियरिंग का करियर क्यों चुना ये हमारे दर्शकों को बताइए। सो माय नेम इज परिधि शाहरे, आई एम करंटली प्लेस्ड इन सीमेंस लिमिटेड। सो जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात आती है तो मेरा स्टार्टिंग से डिसाइड था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है आगे जाके। बेसिकली गर्ल्स कॉलेज था तो मुझे यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैंने इनके प्लेसमेंट के बारे में पहले से सुना था कि इनका कैसा रिकॉर्ड रहा है, तो मुझे बहुत इनकी चीज़ में फैसिनेट हुई थी यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिला, लाइक पहले मैं जब कॉलेज में आई थी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जीरो था, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि जैसे मैं अपनी स्टेज डेयरिंग बढ़ाऊँ। हाल ही में हमारे इलेक्शंस हुए थे तो उसमें भी मैं जनरल सेक्रेटरी कॉलेज की साल के लिए चुन के आई हूँ, तो उसके वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है कि इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करना, लोगों से कैसे बात करना, सब चीज़ें मैंने सीखी। अभी आपको जो प्लेसमेंट मिला है, आपके घर के जो आपके पेरेंट्स हैं खुश हैं? बहुत खुश है। मैं भी सिंगल पेरेंट हूँ तो मेरी मम्मी और भाई हैं घर पे, तो बहुत खुश है वो लोग प्लेसमेंट से। महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन ने हम इसको यहाँ पे करें। मेरे पास में जो है यहाँ पर नारी शक्ति की विजय की टीम यहाँ पर है, जिन्होंने इंजीनियरिंग तो सीखी लेकिन प्लेसमेंट भी इन्होंने अपने दम पर अपने मेहनत से और यहाँ पर कमिंस कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर और गाइडेंस के ऊपर में इन्होंने यहाँ पर जो है अपना प्लेसमेंट जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। हमको शुभकामनाएं देते हैं। मैं सभी से बारी बारी यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? जैसे कि आपने बोला कि नारी शक्ति, तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैं बिलोंग करती हूँ एक बहुत ही छोटे से गांव से, जहाँ पे आज भी वो थिंकिंग है, कहीं ना कहीं वो थिंकिंग है कि लड़कियाँ जो है वो सिर्फ हाउस वर्क के लिए होती है, घर के काम के लिए होती है। तो मेरे हिसाब से मतलब इस कॉलेज ने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम उन लोगों को मतलब गलत ठहरा सके, तो ये जो बात है उनको गलत ठहराने वाली वो बहुत ही हमारे लिए प्राउड फील करने वाली है और इसके लिए मैं बहुत ही प्राउड हूँ। और यहाँ पे बहुत सी क्लब एक्टिविटीज़ भी होती है, जहाँ पे जिस क्लब एक्टिविटीज़ में टेक्नो फॉर्मर क्लब है, मुक्तांगन क्लब है, आईटी क्लब है, जहाँ पे अलग अलग टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहाँ पे हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और हर एक फील्ड में टेक्निकल नॉलेज को गेन कर सकते हैं। मतलब आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ में एक कम्पिटिटिव एक्टिविटी भी मिली जिससे आप अपने आप से भी कम्पीट कर सकती हैं और अपने ही दोस्तों से कम्पीट करके अपने आप को तराश सकती हैं। आप क्या बताएंगे? मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बैरियर बना के नहीं रखा कि तुम बस यहीं तक सीमित रहो, यही इंग्लिश है यहीं पे रहो। उन्होंने मुझे बैरियर तोड़ने के लिए कहा और मैंने यस आई हैव ब्रेक दैट और मैंने अपना प्लेसमेंट भी ले लिया है। और अगर बात किया जाए तो हमारे कॉलेज की, तो कॉलेज में हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ कल्चरल फेस्ट होते हैं जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक जैसे अनन्या हो गया, ऊर्जा हो गया, उमंग हो गया, जिसमें स्पोर्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट लाइक फैशंस एंड ऐसे सब के होता है सब कुछ, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हम लोग जो लाइक पीपल के सामने कैसा फेस करना चाहिए ये हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है, जो कि इंटरव्यू के टाइम पर हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पर्सनली कौन सा इंजीनियरिंग के अलावा कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? मैं कबड्डी खेलती हूँ और मैं स्टेट लेवल से आती हूँ। इससे दूर रहना है। आपके तरफ मैं आऊँगा, आप बताइए आपका अनुभव कैसे रहा? सर जैसे कि देखा जाए कुछ लोग जैसे हर एक इंसान ऐसे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहता है और एज ए सिंगल चाइल्ड मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है तो और मेरी मतलब ओपन कैटेगरी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा मतलब फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि हम कुछ फीस मतलब एट ए सर्टेन टाइम हाँ पे कर सकें। तो कॉलेज हमें अलग अलग वैराइटीज़ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी मुझे मेरे फर्स्ट ईयर से कमिंस स्कॉलरशिप है जिसमें हमें पूरे 4 साल की फीस, एग्ज़ाम फीस और हमारे स्टेशनरी फीस भी कॉलेज प्रोवाइड करता है और 2-3 स्कॉलरशिप्स हैं, उससे ज़्यादा भी है अभी मुझे अगर तो इतना ही है तो वो लीला पुना वाला स्कॉलरशिप है जहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ वो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं और 2-3 ऐसे और स्कॉलरशिप्स हैं जो हमें फाइनेंशियली पूरा मतलब स्टेबल करते हैं कि हम सक्षम हो के हम फीस ये कर सकते हैं। जी हमारे मास्टर जी की तरफ चलते हैं, इतना प्यारा मुस्कुराते हैं ना ये
ये मतलब ऐसे लगता है कि छोटी सा एक वो एक निरागस मुस्कान जो है ना, ऐसी मुस्कान है। आप अपना अनुभव बताइए। सर मेरा जो प्लेसमेंट हुआ मैं उसका पूरा श्रेय मेरे कॉलेज को दूंगी, क्योंकि अगर मैं इस कॉलेज में ना होती तो शायद मेरा अभी मैं शायद ही प्लेस्ड हो पाती, क्योंकि मेरी जो स्किल्स मैंने डेवलप की है कॉलेज में आके उसी के वजह से आज मैंने जो इंटरव्यू क्रैक किया है MNC एक कंपनी में, इतनी जगह जहाँ अच्छी जगह मैं गई हूँ, तो पूरा कॉलेज के वजह से गई हूँ। वाह ग्रेट है। ऐसा कहते हैं कि किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं। एक कहानी हमें बचपन में सुनाई गई थी, एक बोर्ड पर एक छोटी सी लाइन लगे रखते हैं और कहते हैं कि इस लाइन को बगैर छुए इसे छोटा करके दिखाओ। इस नारी शक्ति ने उस लाइन को बगैर छुए, मतलब मैं कहूंगा कि पुरुषों की लाइन को छुए बगैर, अपनी रेखा को बढ़ा दिया है अपनी विद्वत्ता से, अपने मेहनत से, वुमेन्स कॉलेज की ओर से जो सहकार्य निकला उससे, और अपनी लाइन बड़ी करके ये दिखा दिया है कि नारी शक्ति भी किसी से कम नहीं। इस नारी शक्ति के लिए बिल्कुल हो जाना चाहिए। सपने देखने का अधिकार हम सबको है, जितना पुरुषों को उतना महिलाओं को। आज हम यहाँ पर हैं महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षा संस्था के क्विंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स में। यहाँ पर भी लड़कियों ने सपने तो देखे थे, लेकिन उन्होंने जो राह चुनी उन सपनों को सच करने के लिए यहाँ उन्हें राह मिली, गाइडेंस मिला, और आज ये छात्राएं जो है इंजीनियरिंग कर रही हैं। हम बारी बारी इन इंजीनियरिंग छात्राओं से बात तो करेंगे। इंजीनियरिंग अपने आप में कठिन सा शब्द लगता है, और उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो और भी ज़्यादा कठिन लगता है, जिसकी तरफ महिलाओं का जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। आज हम जिन लड़कियों से बात करेंगे वो बताएंगे कि उन्होंने क्यों ये करियर चुना, कितनी सक्सेस है, और वो आगे आने वाले अपने जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ में है लीना, जो कि मैकेनिकल फैकल्टी की छात्रा है, और ये हमें बताएंगे कि इनकी अब तक की जर्नी केमिस्ट कॉलेज में कैसी रही और उन्हें क्या हासिल हुआ यहाँ से, बताइए। ओके, सो आई एम लीना देवी फाल्के। बेसिकली आई रिसेंटली प्लेस्ड इन किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कंपनी। सो माय जर्नी, मैं जब पहले इस कॉलेज में आई तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, जैसे कि नीला पुना वाला स्कॉलरशिप जो मुझे मिली है, और इसके वजह से जो मेरी जो टोटल फीस है उसके में से आधी जो फीस है वो मेरी LPF भरती है, बाकी की फीस मैं खुद भरती हूँ। तो मतलब यहाँ पे फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है इस कॉलेज में। और बात करें स्टडीज़ की तो लड़कियाँ ज़्यादातर मैकेनिकल लेती नहीं है, बट लेना चाहिए, बिकॉज मैकेनिकल एक ऐसी मैकेनिकल इज एवरग्रीन ब्रांच। सो मैकेनिकल ऐसे ज़्यादातर लड़के लेते हैं मैकेनिकल, बट मैंने क्यों लिया मैकेनिकल, बिकॉज मेरे फैमिली में जो मेरे ब्रदर्स हैं वो सब मैकेनिकल है, और मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए और सबसे कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि कोई लड़की ऐसे बोलती कि मुझे नहीं करना मैकेनिकल इंजीनियर, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि कंपनीज में भी जो गर्ल्स को है गर्ल्स के लिए जगह रिजर्व रहती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और फिर बात अगर हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट फैकल्टी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और उन्होंने और हमें बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया है उन्होंने, और हमारे बहुत सारे सेशंस लिए हैं रिगार्डिंग प्लेसमेंट। आपको जो प्लेसमेंट मिला है वो कहाँ मिला हुआ है? सर किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। और कब तक आपका ज्वाइनिंग है उसमें? ये सर 17 जून 2024। आपको उस ज्वाइनिंग के लिए काफी शुभकामनाएं देते हैं। आपके पेरेंट्स कितने खुश है आपके सक्सेस से? सर दे आर वेरी हैप्पी। बहुत आपको खुद एज अ इंजीनियर आपको कैसे लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक मतलब मैं एक सक्सेस, और कंपनी भी बहुत अच्छी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे सक्सेस मिला इस कॉलेज में एडमिशन लेके। और अगर इस कॉलेज में कोई भी एडमिशन करते हैं, मैं पूरे गर्ल्स को ऐसा बोलना चाहती हूँ कि वो यही कॉलेज में एडमिशन करें, नागपुर में ये सबसे बेस्ट कॉलेज है और यहाँ पे प्लेसमेंट भी सबसे बेस्ट है, तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है इसलिए इंजीनियरिंग करना है, तो गर्ल्स प्लीज कमिंग कॉलेज इंजीनियरिंग नागपुर। ग्रेट, थैंक यू। आपके आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लीना। थैंक यू सो मच सर। मैकेनिकल की एक और छात्रा है तन्वी महानकर, जिसने भी अपने प्री डिसाइडेड थी, इन्होंने पहले से तय कर लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना है, और आज वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने के बिल्कुल तैयारी है, उन्हें प्लेसमेंट भी मिल चुका है। हम बात करेंगे, बताइए आपका पूरा नाम बताइए हमारे दर्शकों को, और आपका अनुभव कैसा रहा है हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो, मेरा नाम तन्वी महानकर है और मैं बेसिकली अकोला से हूँ, और मेरा अभी प्लेसमेंट हुआ है टेक्निक FMC में 7.24 LPA पैकेज,
और मैं मैकेनिकल मेरा लेना 11th-12th से मैंने डिसाइड किया था लेना है कर, और मेरे जब आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके पेरेंट्स का या आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था? वो थोड़े मतलब मेरे जो भाई हैं उन हमारे घर में कोई भी नहीं है मैकेनिकल, कोई मतलब इंजीनियरिंग नहीं है या मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियर नहीं है, सब डॉक्टर फील्ड में है, तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब लड़की है और वो भी मैकेनिकल में है, तो थोड़ा वो लोग डर गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और प्लेसमेंट की वजह से फिर आज सब लोग प्राउड फील करते हैं। अच्छा, तभी आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इंजीनियर करनी है, मैकेनिकल इंजीनियर करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, फिर आपने कमिंस कॉलेज को चुना, इसके पीछे की क्या वजह थी? सर कमिंस कॉलेज ऐसा कि सबसे पहले तो एजुकेशन करना मतलब फाइनेंशियली स्टेबल ये सबसे पहले आता है, तो मुझे यहाँ पे आते से ही फर्स्ट ईयर में कमिंस इंडिया लिमिटेड स्कॉलरशिप मिली है, तो वो मेरे 4 साल की पूरी फीस भी देते हैं और मुझे प्लस लैपटॉप भी मिला है, तो उनके तरफ से मुझे आपकी जो जर्नी है आसान हो जाती है बहुत सारा। जो एक हम जब एजुकेशन लेते हैं, मैं जो समझ रहा हूँ आप जो बताना चाह रही है कि जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे ऊपर में कि मेरी इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी खर्चा लगेगा, फिर उसके लिए एड्स लगेंगे, एसेसरीज लगेगी, तो उसका काफ़ी सा जो जो एक बर्डन है वो कॉलेज ने ऑलरेडी आपका कम कर दिया था, तो आपको मतलब फिर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करना था पढ़ाई के ऊपर में। Yes. और आपने वो किया और आज आप इंजीनियर तो बनी गई है और आपको प्लेसमेंट भी मिल चुका है, आगे के क्या प्लान है आपके? आगे तो सर अभी जिस कंपनी में प्लेस्ड हुई हूँ उसमें बहुत अच्छा करना है और कॉलेज का नाम भी आगे करना है, और बाकियों को भी बोलूँगी जो भी लड़कियाँ हैं उनको भी कि इस कॉलेज में करे, जो भी मतलब फाइनेंशियली आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब आता ही नहीं है, पूरा सॉल्व हो जाता है फाइनेंशियली कुछ लड़कियां जो है जो उनके मन में होगा कि हमें इंजीनियरिंग बनना, उनके मन में सपने होंगे लेकिन वो बोल नहीं पाएंगी या अपने आप को जो है प्रकट नहीं कर पाएंगी, आप उनको अपने इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको बताती हूँ कि आप मतलब फ्री होके आइए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और प्लेसमेंट कॉलेज का बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, तो मैं खुद से बोलती हूँ कि यहीं पे एडमिशन ले और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चल थैंक यू वेरी मच तन्वी, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच। कई बार हम जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करते हैं तो उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता दिखती है, ऐसे लगता है कि ये किसी अपने ही ख्यालों में जो है गुम हो चुके हैं और कितना सारा दुनिया का जो बोझ है उनके ऊपर में है। लेकिन क्विंस कॉलेज में अभी मैं जिन स्टूडेंट्स को आपको मिलाने जा रहा हूँ उसके चेहरे पर आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, पेरेंट्स ये चुलबुली सी हंसती खेलती तनु हमारे साथ में है, तनु का स्वागत करते हैं। तनु, आपको जो इंजीनियरिंग आपने की है तो हंसते खेलते आपने इंजीनियरिंग की है ना, कैसा अनुभव रहा आपका बताइए जरा हमारे दर्शकों को। सर सो स्टार्टिंग, हेलो एवरीवन, आई एम तरु गायकवाड़, आई एम लास्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम कमिंस कॉलेज, रिसेंटली आई गॉट प्लेस्ड इन बोर्ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विद 5.15 LPA। एंड जैसे कि सर ने पूछा कि कैसे सफर रहा है पूरा इंजीनियरिंग ड्यूरिंग 4 ईयर, सो फ्रॉम स्टार्टिंग जैसे हमारा कोरोना के टाइम मतलब कोविड के टाइम था फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो फुली ऑनलाइन बैच चली और ए टू जेड पूरे लेक्चर्स हमने किए हैं, और सर इन थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर जैसे प्रोजेक्ट रहता है और प्लेसमेंट सेल भी बहुत कुछ हमें देते हैं, लाइक इंडस्ट्री इंटरेक्टिव इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज देता है, वन देन मोर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी देता है, और ऑल्सो मॉक इंटरव्यू भी होता है, जब हमारे इंटरव्यूज रहता है उसके पहले हमारे बहुत से मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, तो उससे बहुत सारी आपको मदद मिल जाती है क्योंकि भैया एक्चुअल जब इंटरव्यू होगा तो उसका क्या होगा, तो आप पॉलिश्ड वे में ही जो प्लेसमेंट के लिए जब जाती हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करती हैं। यस, जब आप इंजीनियरिंग सीख रही थी तो कमिंस कॉलेज में आपको ऐसी क्या विशेष बात लगी कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छी जगह चुन ली है? सपोर्टिव फैकल्टीज फर्स्ट ऑफ एंड सेकेंड वन इज द एटमोसफेयर ऑफ दिस कॉलेज, बिकॉज सर जैसे हम आए और लाइक एटमोसफेयर रहता है ना, जैसे स्पोर्ट्स भी है सारे मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, ए टू जेड प्रैक्टिकल्स होते हैं और हम इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं, लाइक ऐसे नहीं कि मैकेनिकल है तो बॉयज़ ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स भी सब कुछ कर सकते हैं जैसे कि बॉयज़ कर सकते हैं,
तो जो नीरो हमारे जो बता रही है, आपका नाम मैं भूल गया, तनु गायकवाड़। तनु जो है, तनु हमारे जो संदेश देना चाहते हैं वो एक वाइस ऑफ बॉयज है ऑल द फन। तो मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि कभी आपके मन में नहीं है कि यार बॉयज के साथ में कॉलेज होता तो अच्छा रहता था? और इतना अच्छा और सुरक्षित एटमॉस्फेयर को मिला है, और जो समाधान जो खुशी दिख रही है वो तनु के जेल से आप बिल्कुल उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको आने वाले आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ अलग सोच के साथ में जो है अपने आप को डेवलप करना, अपनी पर्सनालिटी को भी उसी तरह से डेवलप करना, थोड़ी सी दबंगाई दिखाना था उधर, कभी किसी को डोमिनेट करना, और उसके बाद में ये सब करते करते मतलब अपने एक बॉसिंग नेचर के साथ में इंजीनियरिंग में बनना, ये हमारे रिया जी जो कि मैकेनिकल की छात्रा है केमिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, और शायद मैंने नाम सही लिया? हाँ। तो रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और रिया जी आप इंजीनियर बन चुकी हैं, मैकेनिकल की छात्रा है, आपको प्लेसमेंट मिल चुका है, और हमने सुना है कि आपको जो, आप जो डिजायर करती थी वो पैकेज आपको मिला है, बताइए थोड़ा उसके बारे में। हाँ, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिया निखापड़े फ्रॉम नागपुर इटसेल्फ। I am final year student of mechanical engineering. I am placed in Caterpillar company with a package of 12.26 LPA. तो जो जर्नी रही है मेरी कॉलेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना ही नहीं था। तो बट एक्सीडेंटल इंजीनियर। यस सर। पटना इंजीनियर। यस यस सर। तो जैसा मेरा डिसाइडेड था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, जैसे बोलते हैं गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ETC, आराम से, वेरी कंफर्टेबल जॉब्स फॉर द गर्ल्स, बट ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो सब अपने सोच पे डिपेंड रहता है। और जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे करना नहीं था, बट यहाँ के जो सर लोगों ने मुझे उनका पूरा डिटेल्स दिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्चुअल क्या रहता है, जैसे अपन जो पता नहीं रहता है अपन वो डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद पछताते, बट मैंने जो डिसीजन लिया है, जो मुझे पता चला है उसके बाद, आई एम वेरी वेरी फुल्ली हैप्पी एक्चुअली, बिकॉज आई गॉट द बेस्ट पैकेज प्लेसमेंट। और बिल्कुल बाहर निकलते ही है ना, इंजीनियर बनते ही ऐसा पैकेज आज के जहां हम अगर आप एक अपने भारत वर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहां पर रिक्रूटमेंट के लिए हमें काफ़ी तकलीफें करनी पड़ती हैं। जो नारी शक्ति की तरफ देखने का जो लोगों का नजरिया, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब उस दौर से हम लोग बाहर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव होता जा रहा है, लेकिन स्ट्रगल जो है वो हम सभी को लगा, लेकिन आपको इस उम्र में किमिस कॉलेज से बाहर निकलते ही आपको जो प्लेसमेंट मिला वो सचमुच काबिल तारीफ है, उसमें आपकी अपनी मेहनत भी होगी। किमिस कॉलेज का वातावरण और यहाँ के जो आपके कलीग्स और आपका जो टीचिंग स्टाफ है और पूरा एम्बियंस आपको कैसे लगा? हाँ, तो सर जैसे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है हमारे कॉलेज का, उसमें जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। सो जैसे मशीन्स पे जो रहते हैं, लैब्स अवेलेबल है वहाँ पे, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, तो प्रैक्टिकल और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो हमको बहुत अच्छी मिलती है। और जैसे प्लेसमेंट से पहले, जैसे मेरे कॉलेज में मेरा हाईएस्ट पैकेज है और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें मुझे फर्स्ट टाइम में ही लग गई नौकरी, तो इसमें जो था स्किल डेवलपमेंट जो बोलते हैं एप्टीट्यूड, जो फर्स्ट एग्जाम रहती है प्लेसमेंट ड्राइव की, तो उसमें जो है पूरा सपोर्ट करते हैं कॉलेज वाले, पूरे प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेशंस रहते हैं, तो वो बहुत यूजफुल था। और सर लोग भी जो रहते हैं फैकल्टीज, वो भी अपना इनपुट बहुत अच्छा देते हैं कॉलेज में। बचपन में एक सवाल हमेशा पूछा जाता था, बड़े होकर क्या बनना है? आमतौर पर जवाब आते थे डॉक्टर या इंजीनियर, उसमें भी जब लड़का हो तो उसके तरफ से जवाब आता था इंजीनियर, और लड़की की तरफ से जवाब आता था डॉक्टर। जमाना बदला, अब क्या लड़की क्या लड़का, इंजीनियर जितने लड़के हो सकते हैं उतनी लड़कियां भी हो सकती हैं, और ये सिर्फ हो सकती है, ये शक्यता नहीं है, ये ऐसा होता है। आज हम जहां खड़े क्यूमिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स, यहां पर सिर्फ लड़कियां ही इंजीनियर हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि जब लड़कियां सोचती हैं और शिद्दत से जब कोशिश करती है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आज मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में यहां पर हूं, और मेरे साथ में कल्याणी है, क्यूमिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वुमेन्स की IT और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की छात्रा है। और मैं चाहूंगा कि कल्याणी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यूमिस कॉलेज में आपका जो सफर रहा है वो कैसा रहा है। तो कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर में जब मेरा एडमिशन हुआ तो
तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चूज़ किया क्योंकि मेरी रुचि वहाँ पर ज़्यादा थी, और मेरा जो अब तक का सफ़र रहा है वो बहुत लर्निंग और बहुत ही अच्छा रहा है। और अभी मेरा, मैं अभी फ़िलहाल फाइनल ईयर में हूँ, और काफ़ी इन तीन बीते हुए 3 सालों में मुझे बहुत सीखने को मिला है। सारे फैकल्टी टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और कल्चरली और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमें वाइड एक्सपोजर मिलता है और हम ग्रो भी बहुत कर पाते हैं। आपने, हमने सुना है कि आपके पेरेंट्स भी जो है कंप्यूटर साइंस में हैं, तो क्या आप फोर्स्ड इंजीनियर हैं या फोर्स बट एडॉप्टेड हैं? नहीं, फोर्स तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा पहले से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे मम्मी पापा का बैकग्राउंड सेम होने की वजह से मुझे मतलब उनसे मोटिवेशन मिला, या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो गई ऐसे बोल सकता है, और फिर मैं इस सही बात है ये, मैं बिल्कुल आपकी तारीफ इसलिए भी करूंगा कि आपने इन्फ्लुएंस जो वर्ड किया है उसको समझना, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए भी बताऊंगा कि इन्फ्लुएंस होना, फोर्स होना, इसमें बहुत फर्क होता है। कल्याणी जो बता रही हैं कि उनको इन्फ्लुएंस किया गया, इन्फ्लुएंस होना मतलब उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, जो पॉजिटिव तरीके से कल्याणी ने लिया और क्यूमेंस कॉलेज का साथ मिला और आज वो इंजीनियर बनकर प्लेसमेंट पा चुके हैं। आप पूना से हैं, ऑल द वे फ्रॉम पूना टू नागपुर, ये सफर कैसा? ये काफ़ी डायनामिक सा सफ़र रहा है। तो जब मेरे पापा की कंपनी चेंज हो गई थी तो इसीलिए हमें नागपुर शिफ्ट होना पड़ा था, और फिर यहाँ शिफ्ट होने के बाद जब ये कॉलेज वगैरह मिला तो मैं काफ़ी खुश थी, और उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आए थे, लेकिन फिर उसके बाद अडॉप्ट करने के बाद अब तो काफ़ी घुल मिल गई। शिक्षा लेने के लिए सीमाएं कोई महत्व नहीं रखती, चाहे देश के आप किसी भी कोने में हो और देश के किसी भी कोने में आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, सही एम्बियंस मिले, सही गाइडेंस मिले, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। हम यहां बैठे नागपुर में हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में जो है पंजाब की कुड़ी सिमरन हमारे साथ में है, जो कि क्यूमेंस कॉलेज की छात्रा है, कंप्यूटर साइंस की छात्रा, उन्हें भी प्लेसमेंट मिल चुका है। सिमरन, हाउ आर यू? ऑल द वे फ्रॉम पंजाब टू नागपुर, कैसा रहा है आपका ये सफर? सर, बहुत एनर्जेटिक रहा है, और यहाँ पे जैसे लोग, जैसी एम्बियंस यहाँ पे है, आई थिंक आई हैव जस्ट चूजन द राइट स्पॉट टू जस्ट कैरी ऑन माय एजुकेशन, एंड कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड टू अ डिफरेंट बैकग्राउंड, लोग अलग मिलते हैं, बट एक्सपीरियंसेस इट जस्ट कैरीज ऑन एंड इट जस्ट एड्स स्टार्स टू योर बोट। पंजाब से नागपुर जब आपने आने का डिसीजन लिया, तो आपको मतलब कैसे, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको गाइडेंस किया इसके लिए? मेरे फादर कमिंस में काम करते हैं, ही वॉज एन एम्प्लॉइंस कंपनी, ही वॉज एन एम्प्लॉइंग कमिंस, बट ही इज़ नो मोर विद अस राइट नाउ, बट आई एम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट फैमिली, एंड ड्यू टू विच मुझे कमिंस के मेरिट्स के बारे में पता चला फ्रॉम द अदर कलीग्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ माई फादर, एंड लाइक द प्रिविलेजेस वी हैव बीन विद कमिंस एज अ ब्रांड, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, एंड आई थिंक किसी भी लड़की के लिए लाइक कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड यहाँ तक आके एंड टू अचीव दिस, इट्स वेरी न्यू और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सिमरन, आप बड़ी कंफर्टेबल तरीके से बात करें, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके जो इतने सालों में, 2-3 सालों में यहाँ पर आपके अच्छे दोस्त बन गए, तो नागपुर आपको अपना सा लगने लगा? बिल्कुल अपने घर जैसा लगता होगा ना? बिल्कुल सर। बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं आपके आने वाले सफर के लिए। हम चाहेंगे कि आप अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। आप अपने जो आपके गाइड्स थे, जिन्होंने आपको कोच किया, जिन्होंने आपको एजुकेशन दिया, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्यूमेंस कॉलेज से? बिल्कुल सर। सर, आते सर जितने भी प्रोफेसर्स हैं हमारे सीई डिपार्टमेंट के, स्टार्टिंग फ्रॉम द एचओडी टू द प्रोफेसर्स, जो क्लास टीचर्स हमारे रहे हैं, हर एक चीज़ में उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। लाइक कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी, एनीथिंग, प्रोग्रामेबल हो या फिर आउट ऑफ द बॉक्स भी अगर क्वेश्चन आप पूछे, तो बहुत कम्फर्टेबली हमें सोल्यूशंस मिलते हैं हर एक चीज़ के। तो आई थिंक लाइक एक एक्सपीरियंस तो गेन होता ही है, साथ में काफ़ी नॉलेजेबल भी रहता है, क्योंकि काफ़ी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आके भी हमें पता चलते हैं, और जो आगे जाके हम एज सीनियर्स अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। नाउ यू आर हैप्पी एज अ इंजीनियर? आई एम क्वाइट हैप्पी सर। सो वी आर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो उसमें काम तो होता ही है, लेकिन काम के साथ में जो डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको मेरी बातों का अगर कहीं भी डाउट होगा तो अपनी माँ की तरफ थोड़ा सा देख लीजिए, कैसा बचपन है हमें डांट के सिखाती थी, फिर थोड़ा सा हम बहन का अगर रूप करें तो वो भी हमें, जबकि ये चीज़ ऐसी यानी ऐसी होनी चाहिए, मोर प्रिसाइज, मोर डिजाइन, वेरी वेल प्लान और वेरी वेल डिसिप्लिन। संजीति हमारे साथ में है जो तो इंजीनियर ही है लेकिन साथ में इन्होंने एनसीसी कैडेट भी हैं और ये दोनों का जो एक पैरेलल जो प्रवाह हम कहेंगे उसको बहुत बखूबी निभाया। संजीति, ये दोनों चीज़ें एक साथ करना है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि संजीति को प्लेसमेंट मिल चुका है पेप्सिको जैसी बेहतरीन कंपनी में और वो बहुत खुश है, ये कैसे आपने इसको मैनेज किया है? सबसे पहले मैं अपने कॉलेज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो एनसीसी के कैंप्स रहते थे, जो भी संडे परेड्स रहते थे, जो भी एक्टिविटीज़ रहती थी वीक डेज में, उन्होंने मुझे परमिशन दी उसे अटेंड करने के लिए। और जो हमारे कैंप्स रहते हैं जैसे कि ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप है, मेरा स्कूबा डाइविंग कैंप भी हुआ है, कॉमन एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी है और इंटर ग्रुप कॉलेज कैंप भी था, बड़ी लंबी फेरिस्त है। हाँ, बहुत। और तो उसमें मुझे कॉलेज ने परमिशन दी कि आप जाओ कैंप अटेंड करो, आप अपना एक्सपीरियंस गेन करो। और मैं सच बताऊँ तो ये जो कैंप का जो एक्सपीरियंस है ये लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और मेरे एनसीसी में मैंने सॉर्टीज भी लिया है, मैं एयर विंग से हूँ, एयर विंग एनसीसी से, तो मुझे उसमें भी, वो हमारा वीकडेज में रहता था तो कॉलेज ने मुझे उसको भी अनुभव करने का परमिशन दिया, मुझे सपोर्ट किया। और इस कॉलेज के सपोर्ट से मैंने मेरे जूनियर्स में भी एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एनकरेज किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। कहीं ना कहीं संजीति ऐसा होता है होगा ना कि हम जब, मैं समझता हूँ कि एनसीसी की तरफ जो आप गई, जो तो आपकी उसमें कुछ हॉबीज होंगी, कुछ जो एक्टिविटीज थी वो आप दिल से चाहते थे कि मैं ऐसा करूँ तो बहुत अच्छा होगा, और इंजीनियरिंग तो एज अ प्रोफेशन है ही, तो जब ये दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जब होता है तो एक बहुत अच्छी चीज़ उभर कर आती है जो आपके रूप में जो है वो उभर कर आ रही है। कितना आप इसको कोरिलेट करती हो? एक्चुअली कॉलेज में हमारा एकेडमिक डेवलपमेंट होता है और एनसीसी के थ्रू हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो जो इन सबका जो मिलन है तो उसकी वजह से मुझे मेरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस गेन होना, लीड करना, लीडरशिप क्वालिटीज, टाइम मैनेजमेंट और टीम के साथ मिलकर काम करना, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प किया उसने। एक पीढ़ी जो है आने वाली, युवा पीढ़ी आपको देख रहे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, तो जिनके मन में यह झिझक होगी कि मैं इंजीनियरिंग या इन सब चीज़ों को करते वक्त किस तरह से सामने आऊंगी, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक टाइम पे सब चीज़ें कर सकते हैं, बस आपको प्रॉपर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए आप अगर थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, थोड़ा मैंने इसको दिया, थोड़ा उसको दिया, तो आप सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करेंगे, पढ़ाई भी मैनेज हो जाती है। और मैं जैसे अपने कॉलेज के बहुत सारे क्लब्स में भी हेड की, हाँ, पार्टिसिपेट भी करती हूँ और उनको लीड भी करती हूँ। तो अगर आप अच्छे से प्रॉपरली टाइम मैनेज करें किसको कितना वक्त, कब कितना वक्त देना है, और डिसिप्लिन से कि हाँ इसको इतना वक्त दे दिया हो गया बस, तो अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं एक टाइम पे। बिल्कुल सही बात कही संजीता आपने, और जैसे मैंने पहले कहा था संजीता से बात करते वक्त कि अगर हम डिसिप्लिन वे से अगर अपने करियर को, अगर उसके ग्राफ को अगर हम डिज़ाइन करें तो हम सक्सेस को बिल्कुल पा सकते हैं। आपको आपके आने वाले समय के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमने अक्सर देखा है जिस घर में दो बहनें होती हैं ना उनकी आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती और हमेशा तुतु मैमें होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ में जो स्टूडेंट है केमिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेंस में वो है सिद्धिका। इसने अपने सिस्टर को फॉलो किया जो खुद तो इंजीनियर बनी लेकिन सिद्धिका भी उनके नक्शे कदम पर चलते चलते आज इंजीनियर तो बनी गई है और उन्हें प्लेसमेंट भी मिला हुआ है। सिद्धिका, आपका क्यूमेंस कॉलेज का जो सफ़र है और आपका ये जो इंजीनियर बनने का जो मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को।
बेसिकली मेरी दीदी जो है वो इसी कॉलेज से पली एज इन बाहर निकली है जी. और प्लेसमेंट लेके निकली है. तो मैंने उसका ओवरऑल जर्नी देखा, एनालाइज किया उस चीज़ को कि जब लड़कियाँ ही हर चीज़ काम करती है, लाइक बाहर जाना, इवेंट मैनेज करना, कॉलेज में इवेंट्स मैनेज करना, अकेडमिक्स करना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो यूजली अगर हम लोग लड़के लड़की साथ में रहते हैं तो यूजली लड़कियाँ वो चीज़ें नहीं कर पाती, उसको अनुभव नहीं कर पाती. तो वंस आई सॉ हर कि अच्छा ठीक है यहाँ पर ये सब चीज़ें भी हमें सीखने मिलेगी, हमें करने मिलेगी, सो आई फेल्ट कि हाँ ठीक है हम आगे जाके यहाँ पे सिर्फ किताबों में पढ़ रह के सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा किताबों के बाहर भी जाना है, थोड़ा सा जिंदगी को समझना है, थोड़ी सी जिंदगी के मजे भी लेने हैं, और एक ऐसे लाइफ जीना है कि जिसमें इंजीनियर तो बने ही बने लेकिन एक अच्छी व्यक्ति तो भी हमारा उभर कर रहा है जो कि हमें क्यूमेंस कॉलेज में मिल सकता है. डेफिनेटली सर, जैसे आपने कहा हर एक पॉइंट वैलिडेटेड है और आई कैन फील दैट बिकॉज उसको देख के ही हम मतलब हमारा गांव जो है वो थोड़ा एक टाउन काइंड ऑफ है. सो ऑब्वियसली वहाँ से बाहर निकलना और उसके बाद फिर इतने बड़े सिटी में आना, अचानक से नए लोगों से मिलना, उनसे फिर बातें करना, यहाँ की चीज़ों का समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, लेकिन दीदी की वजह से मुझे भी सीखने मिला बहुत कुछ. उसने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए, चीज़ें एक्सप्लोर की और फिर हमको समझाया, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान भी था बट अगेन थोड़ा सा यू नो इंटरेस्टिंग भी था. तो मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि वो जो दो बहनें होती उसमें थोड़ी सी तकरार हुआ, वो होती थी या नहीं होती थी? डेफिनेटली हमारी अभी भी उतनी मतलब थोड़ी कुछ कुछ बातों पर नहीं बनती है, वो होनी भी चाहिए जिससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं. अगर रिश्ते में थोड़ी बहुत ऐसे तुतु मैं हो ना तो वो रिश्ते काफी मजबूत होते हैं. एक्चुअली पहले उतना मेच्योरिटी नहीं था बेसिकली. मेरा अगला सवाल भी वही था कि इंजीनियर की सोच रखना और इंजीनियर बनने के बाद की जो मैच्योरिटी उसमें कितना फर्क आया? डेफिनेटली स्टार्टिंग में कि आपने मेरा शर्ट क्यों पहन लिया या फिर आपने मेरे झुमके क्यों पहन लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जब छोटे हैं तब से अनबन होती रहती है. और अब आता है कि दीदी मेरे झुमके पहला आपको बड़े अच्छे दिखे. हाँ, तो इवेंचुअली अब जब मैं देखती हूँ तो अगर किसी कंपनी का कुछ ऑफर्स आते हैं या कुछ भी आता है तो अगर हम लोग एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं तो बहुत सारा नॉलेज शेयर होता है एक दूसरे के साथ, तो वो एक चीज़ अच्छी है और वो मुझे समझती है, मैं उसे समझती हूँ, तो नाउ इट्स गुड. बहुत प्यारी मुस्कान है सिद्धिका आपकी. आपके आने वाले समय के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं. एक प्यारी सी मुस्कान लिए सिद्धिकी हमें ये समझा रही थी कि जब रिश्ते हमें कुछ सिखाते हैं वो एजुकेशन हमें सिर्फ प्रोफेशन नहीं देता बल्कि हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है. वो अगर क्यूमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन जैसे संस्था से मिलता है तो उससे हमारी जिंदगी और निखर जाती थी. सिद्धिका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से. मेरी पूरी जिंदगी में मुझे इंजीनियरिंग इस वर्ड का कभी भी मतलब समझ में नहीं आया. जब मैंने 3D पिक्चर देखी थी तब थोड़ी बहुत समझ में आ गई थी और मैंने सच में उस वक्त आमिर खान जी को बहुत धन्यवाद दिया था कि मैंने जिंदगी में कभी इंजीनियरिंग की तरफ गया नहीं. आज जब मैं यहाँ क्यूमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन्स में आया तो मैंने यहाँ पे टेक्निकलिटी और इंजीनियरिंग वर्ड को सिर्फ समझा ही नहीं और
खास करके इन जो बच्चियां इन बच्चियों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स को समझने की कोशिश की है, तो बाप रे ये एक किसी दुनिया के बाहर की चीजें हैं। यहाँ पर ये जो आप मेरे साथ में जो देख रहे हैं केमिस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स की जो छात्रा यहाँ पर मेरे साथ में, उन्होंने ये जो आप मेरे सामने देखे वो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इस प्रोजेक्ट की अपनी अपनी खासियत है, मैं चाहूंगा कि बारी बारी आप जो है इस प्रोजेक्ट को हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या बनाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इन्हें इसके लिए नवाजा गया है, इन्हें कंपनी की तरफ से एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाइयां देता हूँ। तो चलिए आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। तो मैं इसके पीसीबी इचर के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे कि हम ईटीसी डिपार्टमेंट से हैं और हम इंजीनियर हैं, तो हमारा ये मतलब हम इतने सक्षम होने चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही इजी वे में निकाल सके। तो हमने जैसे कि हमें पीसीबी बनानी पड़ती है बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए, तो पीसीबी बनाते टाइम बहुत सारी उसकी प्रोसीजर होती है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है वो है पीसीबी इचिंग। तो पीसीबी इचिंग हमें मैन्युअली करनी पड़ती है, जिसके वजह से इट्स हार्मफुल ऑल्सो। सो हमने यहाँ पे एक ऑटोमेटिक पीसीबी इचर बनाया है जो बहुत ही इजी मैकेनिज्म पे वर्क करता है। हमने यहाँ पे इधर नीचे डीसी मोटर यूज की है 30 रोटेशन पर मिनट की, और उस डीसी मोटर पे हमने व्हील कनेक्ट किया है। तो जब भी हम यहाँ से पावर सप्लाई करेंगे, ये हमने 8 to 9 मोटर ड्राइवर यूज किया है जो इसकी स्पीड कंट्रोल करेगा। यस, अभी ये कनेक्टेड नहीं है पावर सप्लाई से, तो इसलिए हम वर्क नहीं कर पा रहे। पीसीबी है आपके पास में, जो हम पीसीबी क्या होती है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये पीसीबी है, और आप अपने घर के कोई भी टेप रिकॉर्ड जो पुराने जमाने में आता है या कोई भी कंप्यूटर है, कभी आपको गुस्सा आएगा उसको तोड़ के देख लीजिएगा, उसमें से पीसीबी नामक जो चीज है बाहर जरूर आ जाएगी। हाँ जी, तो ये पीसीबी है हमारे, जब भी हम हमारा जो भी सर्किट होता है तो हम इस पे प्रिंट करते हैं, और उसके बाद हमें इचिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इचिंग प्रोसेस हम इसके लिए करते हैं कि इसके जो रूट्स है वो हमें क्लियरली मिल सके और वह हमारा जो सर्किट है वो वर्क कर सके। तो उसके लिए हम पीसीबी इचिंग की प्रोसेस करते हैं। तो पीसीबी इचिंग प्रोसेस हम मैनुअली इसको हम इसमें डाल देंगे, और जब हमारे डीसी मोटर को पावर सप्लाई मिलेगा तो वो रोटेट होगी, और जो ये व्हील है वो व्हील भी रोटेट होगा। और जब ये व्हील ऐसे रोटेट होगा तो जो ये हमने प्लाईवुड प्लेट लगाई है जी, जी, वो आगे पीछे होगी, जो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए उस प्रोपोर्शन में वो उस प्रोपोर्शन में होगी। और उसकी स्पीड जो है हम हाई स्पीड लो स्पीड भी कर सकते हैं। और पीसीबी कितने, ये बहुत ही स्पीडी प्रोसेस है, और पीसीबी कितने टाइम में इचिंग होके आती है ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे और सॉल्यूशन के हार्डनेस पे। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात कही। पहले ऐसा होता था कि ये पीसीबी का जो फॉर्मेशन होता था या इसके ऊपर में जो भी प्लेटिंग होती थी वो अपने हाथों से करनी पड़ती थी, टाइम कंज्यूमिंग था और उसके लिए बहुत सारा समय देना पड़ता था, पेशेंस लगते थे, लेकिन इन बच्चों ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया उससे काफी ये चीजें आसान हो गई है। जिन हाथों में हम चूल्हा चौका झाड़ू पोछा देखते थे, उन हाथों को अगर हम मशीनरीज को देखें, उन हाथों से मशीनरीज को बहुत एक्सपर्टाइज से जब हम उन्हें चलाते हुए देखें, उनको समझते हुए देखें, और उसे ये देखें कि ऐसी पीढ़ी का निर्माण हो रहा है जिसको नारी शक्ति जो है प्रतिनिधित्व उसका कर रही है, तो उसका मजा ही कुछ अलग आता है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग महिलाएं होती हैं, नारी शक्ति होती है, तो मशीनरी जो है वो भी बात करना शुरू कर देती है। ऐसी मशीनरी से हमारी जो महिला शक्ति है, यहाँ के जो केमिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स की जो छात्राएं हैं, वो हमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि मशीनरीज क्या होती है और किस तरह से इसके साथ में काम करती है। प्लीज आपके हवाले है पूरा, अभी आप हमें बताइए कि किस तरह से ये मशीन जो है इसे क्या कहते हैं और ये किस तरह से वर्क करती है। दिस इज आवर हीट ट्रांसफर लैब, ये हमारी हीट ट्रांसफर लैब है, और ये जो हमारा इक्विपमेंट है वो हीट ट्रांसफर बाय फोर्स कन्वेक्शन एक्सपेरिमेंट है। जैसे यहाँ पे बोला है हीट ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन, और वी कैन से दैट लोकेशन। तो जो हीट ट्रांसफर है बाय फोर्स कन्वेक्शन मीन्स फोर्स किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लोअर यूज किया है। जैसे इसके अंदर रॉड है, मे बी इट इज ऑफ रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप का है, सो ब्लोअर यूज करते हैं। ब्लोअर से जो फोर्स कन्वेक्शन है उससे वो जो हीट ट्रांसफर होगा उसका रेट हम इससे कैलकुलेट करते हैं इक्विपमेंट से। इसका पर्पस क्या होता है सर? इसका पर्पस जैसे है जो अपने मशीन्स रहते हैं जो वो फेल्यूर हो जाते हैं, ज्यादा हीट हो गई, जैसे अपना पावर प्लांट रहता है उसमें जो ब्लो बॉयलर में जो हीट हो जाती है उसके कारण वो जो मेटल्स है वो
मतलब ये हो जाता है ब्रेक हो जाता है या उसको डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, जैसे वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग अपन कोई और मेटल मतलब स्ट्रांग स्ट्रेंथ मेटल यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसलिए हम उसका यूज करते हैं कि हम कैलकुलेशंस कर पाए और उसके अकॉर्डिंग जो अपना मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा वर्किंग का उससे ज्यादा वाला जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा जो मटेरियल का वो यूज करेंगे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा उस मेटल से। हां तो ये पर्पस के लिए तो इस तरह से जो है ये मशीन जो है ये हीट ट्रांसफर बाय फोर्स्ड कन्वेक्शन ये मशीन इस तरह से काम करते हैं। बहुत ही खूबसूरती से हम इसको एक्सप्लेन किया है और भी बहुत सारी मशीनें हैं जो हम उसका रुख करेंगे उनको देखेंगे कि वो मशीनें क्या है किस तरह से इंजीनियरिंग की छात्राएं जो है केमिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोमांस में वो काम करते हैं उसके ऊपर में। थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू सर। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो दिमाग में आती है मशीनरीज, ऑटोमोबाइल की बात करें तो आती हैं गाड़ियाँ वगैरह, लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही इक्विपमेंट होता है वो होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ में जो कसरत करनी पड़ती है जो इंजीनियरिंग करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है दिमाग से, और यहाँ पर जो मेरे साथ में जो लेडीज़ खड़ी है उनके पास में दिमाग की कोई कमी नहीं है। ये क्या क्या करती है कंप्यूटर के साथ में कंप्यूटर साइंस के हम बारी बारी जानेंगे। कंप्यूटर साइंस के टर्मिनोलॉजी में आप कंप्यूटर के साथ में किस क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर के साथ मतलब मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है उसके साथ पहले तो मैं कोडिंग कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो पहले तो मैं कोडिंग में बहुत रुचि रखती हूँ, तो मैं कई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर लैपटॉप की मदद से कोडिंग प्रैक्टिस करती हूँ जिससे मैं एप्लीकेशन जैसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं तो मैंने एप्लीकेशंस बिल्ड किए हैं कोडिंग करके, और ऑफकोर्स मैं अपने फ्री टाइम में गेम्स भी खेलती हूँ। इंडस्ट्री में कंप्यूटर साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है? इंडस्ट्री में कंप्यूटर साइंस का जैसे हर इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस है, जैसे हमारा फूड इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, हर इसमें आपको जो डेटा मिलता है उसको स्टोर करना पड़ता है और उसको एनालाइज करके फिर उसको यूज़ में लाना पड़ता है आपके जो भी सिस्टम है पहले से उसमें, और जो इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है एनहांसमेंट के लिए आपको ये कंप्यूटर साइंस बहुत उपयुक्त होगा। वेरी गुड। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या डिफरेंस आता है? सर सॉफ्टवेयर जब हम बात करें तो जब हम एप्लीकेशंस जैसे मेरे दोस्त ने कहा हम एप्लीकेशंस बनाते हैं हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हम दिमाग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में लगाते हैं, बट हार्डवेयर इज़ बेसिकली जो हम सीपीयू के यूनिट्स जो मदरबोर्ड हो गया या वो हमारे जो बेसिक पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए वो हमारा हार्डवेयर हो गया, और जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम अलग 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 सॉफ्टवेयर हर एक चीज़ के लिए होते हैं, हम ऐप्स बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हमारे पास सब बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी हैं हम स्पेसिफिकेशंस में जाएं तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है दिमाग इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है और कैसे? जैसे ना एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक भी टूट जाए तो फिर दूसरा कुछ काम का है नहीं, सो एग्जैक्टली वैसा ही हमारा कुछ नाता है कंप्यूटर के साथ, तो हमारी जो रोजी रोटी कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं तो वो कंप्यूटर के साथ ही चलेगी, तो आई थिंक कंप्यूटर और हमारा दिमाग दोनों भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सटीक और बहुत ही सही जवाब हमको यहाँ पर मिले हैं। इन पूरी कंप्यूटर साइंस की छात्राओं के भविष्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इनके लिए एक चीयर जरूर हो जाए। हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे। कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन एक ऐसा विद्या का मंदिर है जहाँ छात्राओं का अपना भविष्य उज्ज्वल करने के लिए जितनी भी संधियां हैं वो सारी की सारी उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से एडमिशन प्रोसेस है, आइए हम जानते हैं हर्षवर्धन खरपाटे सर जी से। हर्षवर्धन जी कृपया हमें बताइए कि कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स में अगर एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है? देखिए एडमिशन की जो प्रक्रिया है जो डीटी की मान्यता है आपको 12वीं में जो मार्क्स लाने हैं 45%, 50% उसके हिसाब से आपको स्कोर लाना है, सीईटी और जेईई में से कोई एक परीक्षा देना अनिवार्य है, आप दोनों भी दे सकते हो, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शासन की तरफ से वो आपको लगता है कमिंस में एडमिशन देने के लिए। विशेषताएं जो विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि कमिंस इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन जी, नोन फॉर इट्स क्वालिटी प्लेसमेंट्स, नोन फॉर इट्स अचीवमेंट्स इन वेरियस करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हमारी यहाँ जो गर्ल्स है वो अपने भारत के विभिन्न शहरों में से आती है पढ़ने को, ये विशेषता है कि सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं महाराष्ट्र के अलावा भी बाकी जगह से यहाँ पर लड़कियाँ राज्यों से यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने आती है जी। और अभी आपने देखा आज ही सभी जो प्लेस हुई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपसे वार्तालाप किया जी, और ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है, उन सब ने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने कॉलेज में
ये सब अचीवमेंट प्राप्त, उनका अनुभव उन्होंने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करते कि वो बहुत पॉजिटिव, जो मतलब उनके एडमिशन से पहले से लेकर तो अब वो जहाँ प्लेसमेंट हुई है तो उनका जो अनुभव उन्होंने साझा किया एक बेहतरीन, एक पॉजिटिव जो उनमें बदलाव आया बहुत देखने लायक बात। जरूर जरूर, और यही सारी विशेषताएं हैं जो आप यहाँ पहले साल से आकर आखिरी साल तक जब आते हो तो ये बदलाव अपने आप आपको देखने मिलता है, आपके अभिभावकों को जरूर देखने मिलता है अपने में हो रहे इस बदलाव को, आप महसूस करते हो। ये सारी चीज़ों का ख्याल हमारे कमिंस कॉलेज में रखा जाता है। इसके अलावा जो लोग आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनकी शिक्षा के लिए भी आपने देखा होगा कि कमिंस खुद सामने आया है, कमिंस कंपनी की तरफ से स्कॉलरशिप है और ऐसे विभिन्न अलग अलग माध्यमों द्वारा स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा हमारे यहाँ की एक विशेषता है जो लड़कियों को ऑफर की जाती है। तो ये सारी विशेषताएँ कमिंस को एक बेहतरीन कॉलेज बनाती है। आज नागपुर विश्वविद्यालय का एक उदयोन्मुख महाविद्यालय जिसकी हम गणना कर सकते हैं कमिंस का नाम लिया जा रहा है, और जो प्लेसमेंट है वाकई में आप देखेंगे मैकेनिकल में हमारे यहाँ पे लगभग 90% एडमिशन हो जाती है जो केवल लड़कियों का कॉलेज सिर्फ। हाँ, ये अपने आप में विशेषताएं हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैकेनिकल एक ऐसा इंजीनियरिंग फील्ड है जहाँ पर लड़कियाँ प्रेफर नहीं की जाती, ऐसी एक मान्यता है, लेकिन कमिंस कॉलेज में मैकेनिकल स्ट्रेंथ में 90% से ज़्यादा के एडमिशंस भी हैं, और मज़े की बात यह है और कि ये सभी का प्लेसमेंट भी बड़े आसानी से यहाँ पर हो जाता है। बिल्कुल, और ये काफ़ी पूरे कॉलेज द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा, यहाँ के सारे प्रोफेसर द्वारा इस बारे में हमेशा ख्याल रखा जाता है कि हर संभव जहाँ भी गर्ल्स स्टूडेंट अपना एक लीडरशिप उनकी डेवलप हो, इस क्षेत्र में उनका कार्य डेवलप हो, इसलिए पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहते हैं और हर तरह उनका प्रयास मदद संभव करते हैं उनके लिए। क्या क्या सुविधाएं हम उन्हें एजुकेशन के अलावा यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं सर? एजुकेशन के अलावा यहाँ पर हम बहुत सारे विकल्प, जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ हमारी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है जी, स्पोर्ट्स है, आपने देखा होगा पूरे कैंपस में जब आप घूमे हो तो यहाँ पे अलग अलग मैदान है जहाँ पे लड़कियाँ खेलती है जी। ग्रीन जिम हमारे यहाँ पे अभी हाल ही में हम एस्टेब्लिश किया हुआ है, साथ ही साथ जिम भी है हमारे यहाँ पे, हॉस्टल है, दोनों निवासी हॉस्टल है यहाँ पे कैंपस में जहाँ तकरीबन 500-600 लड़कियाँ रह सकती है एक साथ, तो हॉस्टल में ही जिम की व्यवस्था है। पूरा ट्रैक अगर आप देखेंगे पूरा ग्रीनरी है आजू बाजू, पढ़ने के लिए शांत सुकून और पढ़ाई के लिए एक अच्छा पौष्टिक वातावरण जिसको हम कहेंगे, एक एम्बियंस जो है बहुत ही सुंदर है यहाँ का। तो ये हमारे साथ में था हर्षवर्धन खारपाटे सर, जो हमें बता रहे थे कि कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेंस में एडमिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से बड़ी आसानी से यहाँ पर एडमिशन भी मिल जाएगा, सिर्फ ज़रूरत है कि हमें एक रिक्वायर्ड जो मार्क्स है उतने करने की और जो भी रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड एग्जाम्स है उसे देने की। अगर आप ये सब करते हैं और कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेंस में अगर एडमिशन लेते हैं तो जितने भी छात्र यहाँ पर आते हैं उनका भविष्य उज्ज्वल करने की जो एक वचन जो है यहाँ पर आपको दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आज के दौर में शिक्षा प्राप्त करना कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, लेकिन जहां हम केवल महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलो इस दिक्कत से हम गुजर भी जाएं तो ये एजुकेशन लेने के बाद में हम किस दिशा में जाएं, क्या हमारे लिए क्या रास्ते खुले हैं, क्या हमें नौकरियां प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं। आज हम यहाँ हैं कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था का ये कॉलेज है, और यहाँ पर मेरे साथ में है मनीष राउत जी जो इस कॉलेज में जितनी भी छात्राएं हैं वो इंश्योर करते हैं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, एजुकेशन तो यहाँ पे उनको मिले ही मिले लेकिन उनका प्लेसमेंट भी बेहतरीन तरीके से हो। मनीष जी, आप कब से यहाँ पर हैं और क्या क्या सुविधाएं आप प्लेसमेंट के लिए उपलब्ध कराते हैं छात्राओं के लिए? मैं इस कॉलेज में फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स से हूँ जी, और फ्रॉम फर्स्ट बैच, एक्चुअली फ्रॉम फर्स्ट बैच आई एम टेकिंग, मतलब काफी यस इट्स क्वाइट ओल्ड एक्सपीरियंस यू आर हैविंग विद दिस। या पहले बैच से हूँ और मुझे यहाँ खुशी है कि आई एम डूइंग, यू आर मेकिंग द जनरेशंस एंड यू आर मेकिंग द जनरेशंस हैप्पियर। हाँ, सबसे हाईलाइट पॉइंट्स अगर आप बोलते हैं तो आज की सिचुएशन में 22-23-24 बैच में जी, bringing the opportunities is now become a challenge because of the market scenario and all, but हमारे college को इतनी दिक्कत इस साल भी नहीं गई है। From last 3 years we have performed very well, हमारे यहाँ का जो average package है last 3 years से, इस दिक्कत के बावजूद भी हमारे यहाँ इस साल का जो package है ये average package है increasing order में ही है,
और इस साल का जो एवरेज पैकेज है वो 8.02 है एवरेज पैकेज। दैट्स रियली ग्रेट, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो छात्राएं प्लेस्ड हुई हैं और जो सीख रही है, जो आने वाले कुछ समय में प्लेस जो होने वाली है, उनको एक एक नई दिशा और एक अच्छा इंकरेजमेंट जरूर मिलता होगा। तो इसमें कुछ सर, जैसे ये इंजीनियरिंग में आना और फाइनल में जैसे इनको प्लेस्ड होना, उसके लिए लड़कियों को क्या मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? लड़कियां तो हार्डवर्क करते ही है, हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो क्वालिटी एडमिशंस भी हमारे इम्पोर्टेंट एक मेजर कर, तो क्वालिटी एडमिशंस वाले स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स है, उनका ग्रूमिंग अच्छा होता है, हॉस्टल में वो ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा कॉलेज के साथ जो इंडस्ट्री का कॉलेज होने की वजह से वी हैव वेरी मच कोलैबोरेशन विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर ट्रेनिंग्स, तो जो टेक्निकल चीज़ों पे जो भर दिया जाता है कॉलेज में वो उनके इंटरव्यू के वक्त बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, और उसी का नतीजा है कि वी आर गिविंग देम द बेस्ट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, हायर पैकेजेस, जाके हमारे यहाँ 10 लाख के ऊपर के पैकेज वाले अराउंड 15 से 20 कंपनीज हर साल आती है। अभी भी मैंने आपके कुछ स्टूडेंट से बात की तो उनमें कुछ अबाउट 10 लाख पैकेज में भी जो प्लेस्ड हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि लड़कियों ने कितनी मेहनत की है और वो आज एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर। अराउंड 42 स्टूडेंट्स है सर फ्रॉम लास्ट 3 years, जी दे हैव गॉट द पैकेज ऑफ मोर देन 10 लाख एंड अबव, दैट्स अ रियली ग्रेट, हाईएस्ट इज 24 लाख, और हम तो कहेंगे कि आपने भी काफी मेहनत की है उसके लिए। कौन सी ऐसी कंपनियां जिनका नाम यहाँ पर आप उल्लेखित करना चाहेंगे जो जहाँ पर अपना प्लेसमेंट होता है? देखिए जैसे मैकेनिकल के जो प्लेसमेंट है हमारा, मैं मैकेनिकल के लिए इतना एम्फेसिस देना चाहूँगा कि अगर आप मैकेनिकल में रियली इंटरेस्टेड है तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जो 70% के ऊपर है, जिनका 10, 12 एंड बी एग्रीगेट अगर 70% के ऊपर आता है तो इस बैच के सारे छात्र है जिनका 70% ना हो, अपनी मेहनत पे और कॉलेज ने किए गए एफर्ट्स के भरोसे उनका 100% सभी का प्लेसमेंट हो चुका है। तो जो रियली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन्स करना चाहते हैं और मैकेनिकल में इंटरेस्टेड है तो विदर्भ में एक ही वुमेन्स कॉलेज है और इंडस्ट्री सपोर्टेड है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि अगर मैकेनिकल में एडमिशन्स आपको लेना है तो आपको कमिंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो जो महिला जो बच्चियां हैं जो छात्राएं हैं जो चाहती है कि वो इंजीनियर बने और उनके माइंड में सेट नहीं है कि मैंने इंजीनियर में क्या लेना चाहिए, तो जैसे मनीष सर बता रहे हैं कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर लेना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर में एवेन्यूज बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे कंपनीज का आपने सवाल पूछा था कि कंपनीज किस टाइप की आती है, तो जैसे मैंने पैकेजेस के बारे में अपन बात करें कि देयर आर packages are more than 10 lakhs averages, yes. So the company type is of all many companies, every year around 35 companies are visiting. Great. So all the companies are MNCs, जिसमें mechanical के लिए अपन Caterpillar बोल सकते हैं, Mahindra and Mahindra बोल सकते हैं, Rani Holdings है, we have MG Motor, even Siemens Energy, Siemens Limited, these are the very big. There are limitless companies out there where you can recruit your students, and only need is that to get the admission here, get your education done from here, and you will have a bright future. That is quite assured here. I can assure you two things. One is the dream opportunity, and the second is the core opportunities. If you are from mechanical, you will have opportunities for mechanical engineering. If you are from computer engineering branch, the opportunities are for software engineer only. Our students are recruited by HSBC Bank, Citibank and Barclays. But these banks have recruited these candidates, engineering candidates, for their software division. Great. Not for their production bank, not for their banking work. Okay, okay. They will be working as a software engineer for their banking software. So this is what the unique, but that means profile specific job opportunity. Yes, and they are getting quite good justice for their education, what they have done during their education here in this Cummins College. तो ये मनीष राव जी थे, ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर छात्राओं को प्लेसमेंट मिलता है, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं, पूरी इनकी टीम लगी हुई है और यहाँ पर छात्राओं को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और एजुकेशन के साथ साथ ही ये इंश्योर किया जाता है कि बेहतरीन से बेहतरीन पैकेज के ऊपर में उनका प्लेसमेंट हो, उनका भविष्य बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे से बात करने के लिए। कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स के इस प्रीमाइसिस में हम खड़े हैं
जिसे हम विद्या का ऐसा मंदिर कह सकते हैं जहाँ पर महिला छात्राओं के भविष्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत सारी एजुकेशन के साथ साथ में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं कि, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उनके प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। ये क्या प्रयास है इस वास्तु के बारे में, इस संस्था के बारे में हमें बेहतर अगर कोई बता सकता है तो बता सकते हैं हमारे मिलिंद खानापुरकर सर, जो कि यहाँ इस संस्था के प्रिंसिपल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बेहतर तरीके से हम चलते चलते बात करें तो चर्चा भी हो जाएगी और हमारा वॉक भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है आपके यहाँ पे। इस संस्था का जो आप प्रिंसिपल हैं, कब से आपने ये धुरा संभाली है? मैं अभी यहाँ पे करीबन 1 साल से हूँ जी, और ये देखता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जी पर्टिकुलरली हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एजुकेशन इम्पार्ट करना, ये तो एक हमारा स्वाभाविक प्रयास रहता ही है, एजुकेशन देना ही है, वो तो देना ही है हमें। हाँ। मगर उसके साथ में हम ये इंश्योर करते हैं कि हम एजुकेशन के साथ में बच्चों को वैल्यूज दे जी, वो बहुत ज़रूरी होता है आज के दुनिया में। एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज इम्पार्ट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, वो हम इंश्योर करते हैं कि वो बच्चों को मिले, ताकि सामने जाके प्लेसमेंट तो होते रहेगा, अगर एजुकेशन अच्छा है तो प्लेसमेंट होगा, जो आपने बोला है कि प्लेसमेंट के लिए हम एफर्ट्स लेती है। एक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग सिखाते हैं, हाँ। तो महिलाओं का इंजीनियरिंग की तरफ रुख करवाने के लिए बहुत सारी मेहनत आपको पेरेंट्स को समझाने के लिए करनी पड़ती होगी। हाँ, उसमें जैसे कोर इंजीनियरिंग ग्रुप में महिलाओं का थोड़ा सा सहभाग कम रहता है जी, तो उसमें तो हमें थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ती है। हाँ। मगर अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कोर कंपनी में कोर इंजीनियरिंग ग्रुप वालों ग्रुप की लड़कियों का जो प्लेसमेंट चल रहा है, वो हिसाब से हम ये समझते हैं कि बिल्कुल पालक बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं अगर हमारे यहाँ पे उनकी लड़की का एडमिशन हो जाता है, कि 4 साल के बाद वो लड़की को या उनके बाल्य को हमारे यहाँ पे कोर ग्रुप में कोर कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक और चीज़ होती है सर कि दूर दराज के गांव के भी बच्चियाँ यहाँ पर आती हैं। हाँ। और कई बार ये भी देखा गया कि उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो उतनी नहीं होती है, तो हम कैसे उनकी हेल्प करते हैं? ये हमारे संस्था का विशेष फीचर है जी, कि हमारे यहाँ पे हमारे संस्था में अगर बच्ची हमारे संस्था में एडमिशन लेती है तो कभी भी उसका एजुकेशन जो है वो रुकता नहीं है सिर्फ पैसों की वजह से जी। हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ तरीके से स्कॉलरशिप मिले। बहुत से ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जैसे कमिंस कंपनी की तरफ से बच्चों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप मिलता है, दूसरा परसिस्टेंट की तरफ से मिलता है, तीसरा लीना पुनावाला फाउंडेशन LPKF जो बोलते हैं उसके तरफ से। जैसे हमारे यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, 60 लड़कियों को 60,000 पर ईयर का स्कॉलरशिप मिला है। उसके अलावा अगर इनका खुद का कुछ मापदंड रहता है, अगर उसमें कुछ लड़कियां नहीं बैठती है, तो हमारी संस्था ये इंश्योर करती है उसके बावजूद अगर किसी का एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए तो वो ये इंश्योर होता है कि लड़कियां उनको हमारे संस्था की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब एक बार आप अंदर आए, आपने एक बार एडमिशन ले लिया, तो फिर एक पेरेंटल जो है वो पेरेंटल ही आपको गाइडेंस मिलेगा, मतलब किसी भी चाहे फाइनेंशियल एड हो या चाहे आपको किसी भी पूरे वाइटल ग्रोथ के लिए आपके लिए ये कॉलेज जो है पूरी तरह से बिल्कुल, और ना बल्कि सिर्फ ट्यूशन फी का स्कॉलरशिप, हॉस्टल का भी। आपका जो कभी एक ऐसे लड़कियाँ है कुछ जो एक भी पैसा नहीं दे सकती जी, तो उनका मेस का भी खर्चा हम उठाते हैं। अच्छा, मेस का, हॉस्टल का रेंट, मेस का पैसा और कॉलेज का ट्यूशन फी तो खैर हम तो करते ही है, तो ये सब होता है। और उसमें से अगर एक लड़की जो इस परिस्थिति से ऊपर आती है और उसका अगर कहीं प्लेसमेंट मिलता है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है कि उसका अगर प्लेसमेंट का उसको मैसेज आता है तो वो नाचने लगती है। बिल्कुल सही बात है, वो खुशी हमने भी देखी है। हाँ, अपने आँखों से और उनके पेरेंट्स के आँखों में आंसू रहते हैं कि हमारी लड़की कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। और एज अ प्रिंसिपल आपको भी जब ये मोमेंट्स में से आप गुजरते होंगे, यस, एक अलग ही खुशी आपको भी मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, आपके स्टाफ को। और जैसा आपने पहले मुझे पूछा था कि वैल्यू एजुकेशन में बोल रहा था, वैल्यू एजुकेशन की इसमें हम सबसे पहले क्या इंश्योर करते हैं कि बच्चियां यहाँ पे जब आती है तो कोई भी हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, तो हम पहले बच्चियों की तरह हमारे यहाँ पे एक प्रार्थना है, आश्रम प्रार्थना जिसको बोलते हैं, वो आश्रम प्रार्थना बच्चियाँ खुद रिसाइट करती है। अब वो आश्रम प्रार्थना रिसाइट करना कोई बोलेगा इसमें बड़ी बात क्या है जी, तो बड़ी बात इसमें यह है कि उसके जो लाइनिंग्स है जो हमारे
एक संस्था का लीगेसी है, एक 125 ईयर्स का जो हमारा स्टैंडिंग है, महर्षि कर्वे जी के वक्त से वो प्रार्थना चलती आ रही है और उसमें पूरा बताया गया है कि अब वैल्यू सिस्टम कैसी है आपकी। तो वो रिसाइट करते करते बच्चों में वो एक आभास तैयार हो जाता है कि न बल्कि हमें सिर्फ इंजीनियर बनना है, न बल्कि सिर्फ हमें प्लेसमेंट लेना है, ये तो हमारा होगा ही, और इसके साथ में हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री बनना है। जी, तो ये विकास की हम जहाँ बात करते तो ये एम्बाइब करते करते वो बच्चियाँ पूरा ग्रेजुएशन उनका करती है और एट द एंड ऑफ द डे दे नॉट ओनली बिकम इंजीनियर, दे नॉट ओनली टेक अ प्लेसमेंट, बट इट इज़ इंश्योर्ड दैट डे बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज बेस्ट पार्ट ऑफ इट, दैट आई शुड से। बिल्कुल सही बात कहें, ये मिलिंद सर है हमारे साथ में जो बता रहे थे हमें कि किस तरह से क्यूमिंस कॉलेज में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जाती बल्कि मानवता भी सिखाई जाती है, एक बेहतर इंसान कैसे बने ये सिखाया जाता है, और उसमें से वो इंसान अगर महिला हो तो जो कि मातृत्व की निशानी है, बहन की निशानी है, एक पत्नी की निशानी है, वो अपने व्यक्तित्व के साथ में पूरे विश्व को भी एक उजागर तरीके से आगे बढ़ा सकती है। तो ये थे क्यूमिंस कॉलेज में हम लोग बीसीएन टीम के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके जाने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि हमारे जो संस्थापक है, आद्य संस्थापक महर्षि धुंडो केशव कर्वे जी, जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, वो उनका ऐसा बोलना है कि अगर आप एक महिला को एजुकेट करते हो, महिला को एम्पावर करते हो, तो आप समाज को एम्पावर करने में आपका दायित्व निभा रहे हो। ये एक छोटा सा सफ़र था हमारा जो क्यूमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेंस का था, जहाँ पर एक इतने प्यारे से प्रीमाइसिस के साथ छात्राओं को किस तरह से शिक्षित किया जाता है, उनके वाइटल ग्रोथ के लिए उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इतना ही नहीं उनके प्लेसमेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। हमने बातचीत की उन छात्राओं से जिन्हें प्लेसमेंट मिल चुका है, हमने उन छात्राओं से भी बातचीत की जो अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए यहाँ पर तैयारियाँ कर रही हैं। यहाँ पर बेहतरीन सा हॉस्टल है, यहाँ का स्टाफ बेहतरीन है जो यहाँ की छात्राओं को अपना बना के रखता है। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी थी जो हम आपके दर्शकों तक ला रहे थे क्यूमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेंस के लिए। इन बीसेंट टीम के लिए रत्नाकर।